दोस्तों कई स्टेट्स में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापिस से लागू कर दिया गया है या फिर करने की बात की जा रही है जबकि दूसरी तरफ एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम को एक अच्छा ऑप्शन बताया जा रहा है और इसको लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद भी चल रहा है अल अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज में तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ओपीएस एंड एनपीएस के बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं और इनके बीच डिफरेंस को भी अच्छे से समझेंगे सबसे पहले बात करते हैं ओपीएस की

इसके अलावा ओपीएस के अंडर गवर्नमेंट इंप्लाइज के रिटायरमेंट के बाद जो पूरी पेंशन है वो सारी अमाउंट गवर्नमेंट द्वारा ही पे की जाती है एंड इसके लिए की 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 सैलरी से जब वो सर्विस में थे उनसे कोई अमाउंट नहीं कट की जाती है अब बात करें एनपीएस यानी नेशनल ने पेंशन स्कीम की, तो सरकार ने दो में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया और 2009 में एनपीएस को गवर्नमेंट ने देश के सभी सिटीजन इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉइड और अनरेकनाइज वर्कर्स के लिए एक्सटेंड किया ये एक ऐसी स्कीम है जहां आप हर महीने एक अमाउंट डाल सकते हो अपने एनपीएस अकाउंट में और 60 की एज पे आप उसी फंड में से पेंशन रिसीव कर सकते हैं सरकार ने एनपीएस को एग्जिस्टिंग ओपीएस के अल्टरनेटिव लॉन्च किया था ताकि नागरिकों को एक सिक्योर एंड स्टेबल रिटायरमेंट इनकम प्रदान कर सके हालांकि एक वॉलेंटरी स्कीम है जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पी एफ द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है गवर्नमेंट इंप्लॉयज की बात करें तो एनपीएस के तहत गवर्नमेंट इंप्लॉइज अपने बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस का 10% कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सरकार भी हर महीने सैलरी प्लस डीए का 14 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है और दूसरे इंप्लॉयमेंट के, के दौरान रेगुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है और रिटायरमेंट पर एक एनटी रिसीव कर सकता है यानी रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स अमाउंट मंथली रिसीव कर सकता है अकॉर्डिंग टूप फंड एनपीएस के कॉन्ट्रीब्यूशन को एक पेंशन फंड में कॉन्सोलिडेट किया जाता है जिसको गवर्नमेंट बिल्स बॉन्ड्स कॉर्पोरेट शेयर और डिबेंचर्स में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है पी द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं एनपीएस में फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं होता है हालांकि पास्ट में इसने 9 से 12 परसेंट के बीच रिटर्न्स दिए हैं चलिए इनको और अच्छे से समझने के लिए इनके बीच डिफरेंस को पॉइंट वाइज समझते हैं फर्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी जैसा हमने समझा ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलती है न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट इंप्लॉयज के अलावा कोई भी इंडिविजुअलिबलेंट बेसिस प्लस डीए का मिलता है वही एनपीएस में पेंशन जितना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में किया गया है ड्यूरिंग इंप्लॉयमेंट उस बेस पे मिलता है अगला पॉइंट है पेंशन अमाउंट ओपीएस में पेंशन अमाउंट जो मिलेगा वो होगा फिफ्टी परसेंट ऑफ लास्ट डॉन सैलरी प्लस डी ए या फिर लास्ट टेन मंथ ऑफ सर्विस की एवरेज अर्निंग्स इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उसे एज ए पेंशन दिया जाता है वहीं एनपीएस की बात करें तो सिक्सटी ईयर की एज होने के बाद आपका टोटल एनपीएस अमाउंट जो इकट्ठा हुआ है उसका आप मैक्सिमम सिक्सटी परसेंट तक लमसम विड्रॉल ले सकते हो एंड बाकी फोर्टी परसेंट आगे इन्वेस्ट करके आपके एनओटी के रूप में मंथली रिसीव होता है नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट गवर्नमेंट को कोई भी अमाउंट ओपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है वो पेंशन गवर्नमेंट फंड में से ही प्रोवाइड किया जाता है वहीं एनपीएस में गवर्नमेंट इंप्लाइज अपनी सैलरी का टेन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस एंड गवर्नमेंट का भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 14%. अगला पॉइंट है इनकम टैक्स बेनिफिट्स तो ओपीएस में गवर्नमेंट इंप्लाइज को कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है वहीं एनपीएस में इंप्लाइज एंड इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अंडर टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपटू तो रुपीज वन पॉइंट फाइव लैख एंड रुपीज फिफ्टी थाउजेंड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन एटीसीसी डी वन बी लास्ट पॉइंट है टैक्स ऑन पेंशन अमाउंट ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट इंप्लाइज को जो पेंशन अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है वहीं I एनपीएस mean, में सिक्सटी परसेंट ऑफ एनपीएस टैक्स फ्री होता है रिमेनिंग इज टैक्सेबल तो ये था दोस्तों ओल्ड पेंशन पेंशन स्कीम स्कीम एंड न्यू के बीच का बेसिक डिफरेंस आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आप एनपीएस के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं विद तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ